प्रश्न चार और पांच करेंगे, प्रश्नावली 9.2 का। इसमें देखो हमें दे रखा है, ऐसा घना आकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें यहाँ पे दे रखी है। तो हमें जो है क्या निकालना है, आयतन निकालना है किसका, एक जो है घन आकार का बक्सा है उसका हमें हमें क्या निकालना है, उसका हमें आयतन ज्ञात करना है, घन आकार के बक्सों का आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो हमें तीनों को आपस में क्या करना होगा, गुणा करना होगा, तो इसका आयतन निकलेगा। प्रश्न नंबर पांच में हमें क्या कहा गया है कि इनको गुणा करो, जो भी नीचे हमें यहाँ पे व्यंजक दिए गए हमने उनको आपस में गुणा करना है, ठीक है। तो प्रश्न चार और पांच हम दोनों करेंगे इस वीडियो में। प्रश्न चार देखते हैं, तो आपको लिखना है वंचित आयतन, यानी कि जो हमें आयतन दे रखा है, आयतन हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, वंचित आयतन निकालने के लिए हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। तो लंबाई चौड़ाई देखो, जो हमारे नंबर दे रखे हैं 5, 3 और 7, इसको हम अलग से गुणा कर लेंगे, जो हमारे चर हैं उनको हम अलग से गुणा करेंगे। ये क्या है, हमारे गुणांक हैं, ये हमारे चर हैं। तो एक जो हमारे चर होते हैं आपस में क्या हो जाते हैं, जमा। तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 और 1 7, 7 हो गया, एक ही घात क्या हो गई, 7। इन तीनों को गुणा किया 105 आ गया, 105 एक घात 7। अब यहाँ पर हमें दे रखा है 2p × 4p × 8r, तो यहाँ पे जितने भी हमारे गुणांक है उनको अलग गुणा कर लेंगे, चर को अलग। अब देखो 4 × 8 और 8 × 64 होता है, यहाँ पे p दे रखा है, p 2, तो इनकी घातें क्या हो जाएंगी, आपस में जमा हो जाएंगी, जब गुणा होती है तो आपस में घातें जमा हो जाती है, और r p क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ पे हमें दे रखा है q, ठीक है, p नहीं है, ये हमारा है q। तो हमारी तीनों ही अलग है, एक p है, एक q है, एक r है, तो आपस में तीनों गुणा हो जाएंगे, तो पी क्यू आर बन जाएगा, ठीक है। थर्ड में, तीसरे में देखो, एक्स वाई गुणा एक्स की जो घात यहाँ पे 2 दे रखी है, y, फिर 2xy की घात 2। तो यहाँ पे जब कोई भी हमें यहाँ पे गुणांक नहीं दे रखा होता तो हम उसको 1 मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो चर है xy, x की घात 2y, फिर xy की घात 2, इसको अलग लिख लेंगे, इनको गुणा किया 4, ये एक x है 1, और एक ये 2, 3, और एक ये 4, 4 हो गए। ऐसे ही y भी की 2, 1, 3 और 1, 4, तो 4 हो गए, इनको गुणा किया तो 4x की घात 4 और y की घात भी 4 हो जाएगी। उसके बाद जो है हमारा चौथा है, यहाँ पे लिखेंगे a × 2b × 3c। तो यहाँ पे जब कोई गुणांक नहीं दे रखा तो a, 2 और ये 3, 1, 2, 3 तीनों आ जाएगा, abc इधर आ जाएगा, तो तीनों को गुणा किया 6, abc को गुणा किया तो abc, क्योंकि हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5 में हमें क्या करना था, गुणांक करने के लिए बोला गया, गुणा करने के लिए बोला गया हमें, तो जो भी हमें यहाँ पे दे रखा है हम उसको गुणा करेंगे, ये हमें दे रखा है तो बीच में गुणा का चिन्ह हम लगाएंगे जहां पे कोमा है। तो x कितने हैं, अलग कर लिया, y अलग कर लिए, z अलग कर लिए, तो x 2 है तो x की घात 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, घातें क्या हो जाती हैं जब बीच में गुणा का साइन होता है, जमा हो जाती हैं घातें, ठीक है। तो घात जमा होकर x की घात 2, y की 2 और z की भी 2 हो गई। दूसरे में है a − a की घात 2, a की 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितनी घात होगी, 1 होगी 3, 2 5 और 1 6, तो a की घात क्या होगी, 6, माइनस का साइन है तीनों में से एक के अंदर, तो यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। अगर तीनों माइनस होते हैं तब भी हमारा यहाँ पे जो है एक माइनस माइनस प्लस हो जाता, एक माइनस बचता तब भी आता, अगर दो हमारे माइनस के चिन्ह होते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो फिर ये हमारा चिन्ह नहीं आता। थर्ड तीसरा देखेंगे, यहाँ पे देखो हमें दे रखा है 2, 4, 8 और 16, ठीक है। तो 2, 4, 8, 16 को हमने अलग कर लेंगे गुणांक को, और जो चर है उनको अलग, तो इनको गुणा किया तो 1024 आ गया, और 3, 2 और 1 6 हो गई इनकी घात, y की घात क्या हो गई, 6 हो गई। उसके बाद फोर्थ देखो, यहाँ पे भी 2, 3 और 6 दे रखा, इसकी घात नहीं दे, इसका गुणांक नहीं दे रखा, तो 1 मान लेंगे, 1, 2, 3, 6 को अलग कर लिया, और ये हमने a, b, c अलग लिखे, 2a है, 2b है और 2c है, तो घातें क्या हो गई, जमा हो गई, a की घात 2 हो गई, b की भी 2 और c की भी 2। अब देखो इसका लास्ट m − mn − mnp, m की घात यहाँ पे हम a, सबकी घात 1 मानेंगे क्योंकि हमें दे नहीं रखी, तो गुणा का साइन आ गया, तो 1, 2, 3, 3m है, इनकी इन तीनों की घातें जमा हो गई, 2n है तो 2 घात क्या हो गई, 2 हो गई, p हमारा सिंगल है तो घात 1 सिंगल, ठीक है। तो ये हो गई मेरी प्रश्नावली 9.2। सभी वीडियोस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।